चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने आज मार्किंग चैप्टर का ऑप्शनल क्वेश्चन अपलोड किया है, लेकिन दोस्तों उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जो रोज़ वीडियो अपलोड करें तो तुरंत ही आपके पास हमारा वीडियो पहुँच सके। दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए एक और क्वेश्चन है कि आपको नाम मात्र से कोई तैयारी नहीं करना है, आपको पूर्णतः लगन, मेहनत और जोश के साथ तैयारी करना पड़ेगी और आपको पढ़ाई में टाइम देना पड़ेगा, तो आपको जरूर ही जरूर नौकरी मिल जाएगी। जैसे ये संदेश में कहते हैं कि मेहनत, लगन, जोश और ईमानदारी से करो तैयारी, भीड़ को देख घबराओ मत, अब है हमारी बारी। तो दोस्तों, अगर आप मेहनत, लगन, जोश और ईमानदारी से तैयारी करोगे तो ये भीड़ भाड़ देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर ही ज़रूर आपके पहले अटैम्प्ट में ही नौकरी लग जाएगी। तो दोस्तों, हम अब ऑप्शनल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमने आज जो क्वेश्चन बनाए हैं उन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्किंग क्या होता है। दोस्तों, तो हमें मार्किंग के बारे में सबसे पहले समझना पड़ेगा, तो इसके आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ कि कोई ये जॉब है, तो इस जॉब के ऊपर, जैसे ये जॉब माइल्ड स्टील का है, तो ये माइल्ड स्टील का जॉब रहेगा दोस्तों, तो ये ब्लैक रंग का रहेगा। माइल्ड स्टील का जॉब ब्लैक रंग का होगा, तो ब्लैक रंग का जो जॉब होगा, तो इस पर हम कोई भी लाइन जैसे ही खींचते हैं तो वो लोहे के ऊपर लाइन खींचती नहीं है, क्योंकि लोहा मेटल का होता है, तो मेटल पर कोई लाइन अगर खींच भी जाएगी तो अच्छे से समझ में दोस्तों नहीं आएगी। तो मेन मार्किंग का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो होता है, मार्किंग का मैं डिटेल्स बता देता हूँ तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसके जो लोहा होता है, इस लोहे काले रंग का होता है, तो काले रंग के ऊपर हम सफ़ेद रंग का ऐसा पेस्ट लगा देते हैं, इसके ऊपर पूरा पेस्ट लगा देते हैं ब्रश के द्वारा, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में और ऐसे खड़े डायरेक्शन में और आड़े डायरेक्शन में, इस तरीके से हम इस पर पूरे लोहे के ऊपर एक पेस्ट लगा देते हैं, जिसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो मार्किंग मीडिया दोस्तों हमने इसमें लगा दिया, फिर मार्किंग मीडिया जब सूख जाता है तो उसके ऊपर हम एक नोकदार टूल रहता है, जिसे हम स्क्राइबर कहते हैं। स्क्राइबर के द्वारा हम ड्राइंग में देखते जाते हैं और ड्राइंग पर जो आकृति होती है उसी आकृति को इसके ऊपर हम बनाते जाते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कलर चेंज करके, जैसे मैंने ये मार्किंग मीडिया लगाया, अब मैं इसके ऊपर ऐसे मार्किंग करूँगा, तो ऐसे मार्किंग करूँगा तो दोस्तों इस तरीके से रेड कलर, जो मैंने वाइट कलर जो लगाया था दोस्तों, रेड नहीं वाइट लगाया था, तो वाइट कलर जो लगा होगा, इसके ऊपर पेस्ट लगा होगा, तो उसके ऊपर दोस्तों जब हम स्क्राइबर से जब जो हमारा जॉब था, इस जॉब के ऊपर हमने वाइट रंग का पेस्ट पोत दिया था, तो इस वाइट रंग का पेस्ट जब सूख जाएगा तो एक परत जम जाएगी, तो इसके ऊपर जब हम स्क्राइबर से लाइन खींचेंगे तो स्क्राइबर हमारे इस जो हमने मार्किंग मीडिया लगाया था उस मार्किंग मीडिया को काटता जाएगा तो हमारी लाइन खींच जाएगी, और ये लाइन हम खींचते हैं जो ड्राइंग को देख कर खींचते हैं। तो दोस्तों, हम ऑप्शन पढ़ते हैं, आप भी ऑप्शन पढ़ के आंसर हमारे साथ में लगाइए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मार्किंग क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पर हमें विशेष फोकस करना है कि मार्किंग क्या है। ये मार्किंग का मतलब है कि हम मार्किंग किसे कहते हैं, क्या होता है। तो कोई रेखा चित्र बनाना दोस्तों, तो रेखा चित्र जो होता है ये मार्किंग नहीं कहलाता है। रेखा चित्र अलग होता है, जो किसी भी आकृति को हम जैसे पेड़ को देखकर जो बनाते हैं, किसी इंसान को देखकर बनाते हैं, उसे रेखा चित्र कहते हैं, तो मार्किंग नहीं कहलाता। चित्र में कलर भरना दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा आंसर, चित्र की ड्राइंग शीट पर आकृति बनाना, ठीक है। तो चित्र की ड्राइंग शीट पर, ये ड्राइंग शीट रहती है, इस ड्राइंग शीट पर जो आकृति बनाना, इसको हम मार्किंग नहीं कहते, इसको हम ड्राइंग कहते हैं। किसी भी ड्राइंग शीट पर, कोई ड्राइंग शीट ये है कागज़ की बनी हुई, इस पर हम कोई आकृति बना रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई आकृति, इसमें ट्रैक्टर की आकृति बनाई, ठीक है, कोई ट्रैक्टर की आकृति बनाई या कोई ट्रांसफार्मर की आकृति बनाई, तो आकृति बनाना मार्किंग नहीं कहलाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट आंसर गलत, सेकंड आंसर गलत, तो थर्ड आंसर है ये भी गलत है, इसे ड्राइंग की परिभाषा दे रहा है। किसी पेपर पर आकृति बनाने को ड्राइंग कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा चौथा आंसर हो जाएगा कि ड्राइंग के अनुसार जॉब पर आकृति बनाना। तो दोस्तों, हमारा चौथा आंसर बिल्कुल सही है कि ड्राइंग के अनुसार जॉब पर आकृति बनाना क्या कहलाता है, मार्किंग कहलाता है। दोस्तों, इसमें हमने एक चित्र बनाया है, नीचे एक ड्राइंग शीट बनी हुई है जिसमें A4 A5 ये लिखा हुआ है। ये तो ठीक है, ये मैं जब ड्राइंग का लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि पेपर की कौन कौन से साइज होती है, A0 A1 A2 A3 उसके सारा मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अब ये देखिए, इसमें जो जॉब हमारा बना हुआ है, मान लीजिए कॉर्नर का जॉब है, तो इसमें देखिए, इसमें कॉर्नर से लेके 210 फुट है और इधर से जाकर इधर पर 148.5 फुट है। ये हमने नक्शा है, मैप, जो प्लॉट का मैप है,
ठीक है, इसलिए इसमें फुट लिखा रहता है। यदि हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई मैप होगा तो उसमें नीचे लिखा रहेगा MM, और यदि ये फुट वाला ड्राइंग है तो इस ड्राइंग पेपर के नीचे फुट लिखा रहेगा। तो दोस्तों हम फुट समझ जाएंगे, तो इस पेपर में इधर नीचे इधर फुट लिखा रहता है तो हम फुट समझ जाएंगे कि फुट में। तो इसमें हमने ये ड्राइंग शीट में देखा कि ये 210 फुट लंबा है, तो किसी भी जगह पर हमें मार्किंग करना है। जैसे मान लीजिए खेत है, एक प्लॉटिंग हो रही है, तो हम कैसे मार्किंग करेंगे इस पेपर में देख कर। ये हमारा पेपर है, तो पेपर में हम देखेंगे तो 210 का इधर निशान लगाएंगे। इसके बाद 148 इधर, तो 148 का हम इधर लगाएंगे, 148 का। इसके बाद हम 210 की सीधी लाइन ऐसी खींच देंगे और 148 की इधर से ऐसी खींच देंगे, तो इधर भी कट कर जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा 210 और 148.5 पे ये हमारी मार्किंग हो जाएगी। ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं, ये हम किसी जॉब या जमीन फील्ड में कर सकते हैं, या किसी पेपर पर देख करके, पेपर से देख करके किसी क्लॉथ पर कर सकते हैं। लेकिन जो ड्राइंग शीट होती है वो हमेशा पेपर पर ही बनाई जाती है। तो दोस्तों मैंने ड्राइंग के बारे में इधर काफ़ी कुछ बता दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो ये इसी से रिलेटेड होगा। तो देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मार्किंग मीडिया क्या है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा दोस्तों मार्किंग मीडिया। तो आप समझ रहे होंगे शब्दों से, मार्किंग हम अभी समझ चुके हैं कि किसी ड्राइंग शीट के अनुसार जॉब पर जो आकार बनाया जाता है उसे हम मार्किंग कहते हैं। लेकिन मीडिया शब्द समझिए, मीडिया, तो दोस्तों मीडिया का मतलब होता है एक ऐसा माध्यम जो हमें हेल्प करे, जो हमें मार्किंग में हेल्प करे, उसे हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो दोस्तों हम ऑप्शन पढ़ते हैं मार्किंग मीडिया। पहला है मार्किंग करना। तो दोस्तों मार्किंग मीडिया क्या है, मतलब मार्किंग मीडिया क्या है, तो मार्किंग करना है, तो दोस्तों ये गलत है आंसर। मार्किंग मीडिया, मार्किंग करना मार्किंग मीडिया नहीं कहलाता है। मार्किंग करवाता है जिससे मार्किंग लाइनें सही दिखाई दें। तो दोस्तों जो हमने जॉब के ऊपर जो अभी हमने वाइट कलर का चॉक पाउडर लगाया था, चॉक पाउडर जो हमने लगाया था, उसी से हमारी लाइनें सही दिखाई देती हैं, क्योंकि वो हमारा जो स्क्राइबर होता है वो मार्किंग मीडिया को काटता चला जाता है, तो लाइनें दिखाई दे जाती हैं। इसीलिए दोस्तों हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है दूसरा आंसर। तीसरा क्वेश्चन जो है, मार्किंग करने का टूल है। तो दोस्तों ये मार्किंग मीडिया जो है मार्किंग करने का टूल नहीं होता है, और हमारा चौथा आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से सी आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मार्किंग मीडिया कहाँ लगाना चाहिए। तो दोस्तों हम पहले ही अभी बता चुके कि मार्किंग मीडिया हमारे जॉब की सतह पर लगाना चाहिए, जहाँ पर हमें मार्किंग करना हो। तो पहला लिखा जॉब की सतह पर, दूसरा वर्क की सतह पर, वर्कर की सतह पर, तीसरा लिखा जॉब की मार्किंग सतह पर और मार्किंग टूल पर। तो दोस्तों इसमें जो चौथा आंसर मार्किंग टूल पर तो कभी की नहीं जाती है, जो और दूसरा वर्कर की सतह पर जो आदमी कर रहा उस पर भी नहीं की जाती है दोस्तों। अब इसमें हमारे तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन बचे हुए हैं दोस्तों, हमारा एक फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। तो इसमें थोड़ा सा मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं दोनों, जॉब की सतह पर दोस्तों, तो जॉब की सतह पर, और तीसरा आंसर जॉब की मार्किंग सतह पर। तो उसमें बेस्ट क्या आंसर होगा, तो इसमें थर्ड आंसर जो होगा वो बेस्ट होगा। पहला आंसर बेस्ट नहीं होगा, मैच तो कर रहा है, लेकिन इसमें बेस्ट आंसर होगा जॉब की मार्किंग सतह पर, जिस सतह, क्योंकि जॉब की तो 6 सतह होती हैं, तो कौन सी सतह पर हम लगाएंगे, जिस सतह पर हमें दोस्तों मार्किंग करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर दोस्तों, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, मार्किंग मीडिया कब लगाना चाहिए दोस्तों। तो अभी अभी हमने बताया है कि जॉब पर मार्किंग मीडिया कब लगाना चाहिए। तो दोस्तों मार्किंग जो हम लाइनें खींचने के लिए जब हमें तैयार होना पड़ता है, तो इसके पहले हमें उसके ऊपर पेस्ट लगाना पड़ता है मार्किंग मीडिया का, ताकि जब हम मार्किंग करें तब तक हमारे ये पेस्ट जो हो ये सूख जाए, क्योंकि हमें लाइनें कब खींचना है, जब हमारा ये मार्किंग मीडिया जो है ऊपर ऊपर क्या हो जाए, सूख जाए। तो दोस्तों इसमें मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, पहला ऑप्शन है मार्किंग करते समय। तो दोस्तों मार्किंग करते समय कभी नहीं लगाया जाता है, गीला रहेगा, उस पर लाइनें अच्छे से नहीं खींचेंगी। मार्किंग करने के बाद, तो दोस्तों जब मार्किंग हमने करी ली है, तो हमें मार्किंग करने के बाद लाइन, मार्किंग करने के बाद मीडिया लगाने का क्या मतलब होता है। मार्किंग मीडिया तो मार्किंग के पहले लगाना चाहिए, मार्किंग के तुरंत पहले, तो दोस्तों तुरंत पहले नहीं लगाना चाहिए। तुरंत पहले का मतलब है जब मार्किंग करने वाले ही हैं तो उसके तुरंत ही पहले लगाएंगे दोस्तों, तो तुरंत पहले हमें कभी नहीं लगाना है, तुरंत पहले लगाएंगे तो गीला रहेगा। तो दोस्तों इसका डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुरंत नहीं बोला है, तुरंत का मतलब होता है बहुत पहले, तो इसमें डी आंसर बोला है मार्किंग के पहले। तो दोस्तों मार्किंग के पहले लगाया जाएगा, तुरंत इसमें लिखने से जस्ट ही पहले हो गया, तो हमें जस्ट पहले नहीं लगाना है। तो इसका डी आंसर दोस्तों सही होगा, चौथा आंसर सही हो गया है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, मार्किंग मीडिया लगाने के बाद कब मार्किंग करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये सभी प्रैक्टिकली क्वेश्चन है दोस्तों, तो अच्छे से आपको समझते जाना है और पूरा लाइन से पूरा वीडियो देखना है, ताकि हमें पूरा समझ में आ जाए। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, मार्किंग मीडिया लगाने के बाद
कब मार्किंग की जाती है, तो इसमें आप क्वेश्चन कीजिए मार्किंग मीडिया लगाने के बाद कब मार्किंग की जाती है। तो मेन क्वेश्चन है कि मार्किंग मीडिया हमने लगा दिया लेकिन कब मार्किंग करेंगे, तो मैं बताता हूँ। जब वह गीला हो, तो दोस्तों गीला होगा ये, तो गीला होगा तो गीले होने में मार्किंग नहीं होगी दोस्त। जब वह सूखा हो, जब वह हल्का गीला हो और कोई नहीं, तो देखो कोई आंसर तो इसका होगा नहीं। जब वह हल्का गीला हो तो दोस्तों ये आंसर भी नहीं होगा, सी आंसर इसका। तो दोस्तों जब वह सूखा हो तो इसका आंसर दोस्तों दूसरा या बी आंसर इसका सही हो जाएगा कि जब वह सूखा हो। छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन कि कास्ट आयरन का मार्किंग मीडिया क्या होता है। अब हमें जॉब के आंसर थोड़ा याद करना पड़ेगा कि हमारा कजी जॉब कास्ट आयरन का है। कास्ट आयरन का रंग दोस्तों हल्का ब्लैक रंग होता है, तो जो ब्लैक रंग होता है इस पर हम ब्लैक रंग का यदि मार्किंग मीडिया लगा दें तो उसका कोई हमारा औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारी ये कास्ट आयरन है जो CI है इसका रंग ब्लैक होता है। तो ब्लैक रंग जो होता है, तो अगर हम ब्लैक पर ब्लैक लगा देंगे तो जो लाइनें खींचेंगी वो हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ब्लैक पर ब्लैक लगाने से हमें उसका जो अंदर का कलर है वो इफेक्ट नहीं देगा। तो दोस्तों काले रंग पर हम व्हाइट लगाएंगे, व्हाइट कलर लगाएंगे, तो जो हम व्हाइट कलर लगाएंगे तो व्हाइट रंग लग जाएगा इसके ऊपर। तो जब हम इसमें लाइन खींचेंगे तो व्हाइट जब इसका जो मीडिया कटेगा तो उसके अंदर से जो ब्लैक रंग की झलक आएगी, तो हमें ब्लैक रंग अंदर से दिखाई देगा। तो इसलिए दोस्तों इसमें हमें देखना है, तो इसमें चॉक पाउडर, कॉपर सल्फेट, तो दोस्तों कॉपर सल्फेट नीले रंग का रहता है, ये सेलुलोज बर्नर्स में नहीं लगाएंगे कोई नहीं, तो इसका दोस्तों चॉक पाउडर रहता है। कास्ट आयरन का मार्किंग मीडिया चॉक पाउडर होता है जो सफ़ेद रंग का होता है, जो मैंने अभी बताया है। छठवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन सॉरी, मार्किंग मीडिया का रंग जॉब के रंग से क्या होना चाहिए। तो इसके पहली क्वेश्चन में मैंने अभी दोस्त बताया है कि हमारा जो जॉब होता है, इस जॉब से जो मार्किंग मीडिया हम इस पर लेप करते हैं, लगाते हैं, उसका रंग अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि सेम रंग लगाने से जो हमारा मार्किंग मीडिया स्क्राइबर से कटेगा तो अंदर से रंग की कोई झलक नहीं आएगी, दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों यदि हमारा जॉब काले रंग का है तो सफ़ेद मार्किंग मीडिया लगाना उचित रहता है, और यदि जॉब सफ़ेद रंग का है तो काले रंग का मार्किंग मीडिया लगाना उचित रहता है, इससे हमारा कलर के इफेक्ट से वो लाइन सही दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों हमें अपोजिट रंग का लगाना है, विपरीत रंग का लगाना है, तो पहला ऑप्शन दिया जॉब के समान, ये गलत हो जाएगा। जॉब के विपरीत दोस्तों ये हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। मार्किंग मीडिया जो होना चाहिए जॉब के रंग के विपरीत होना चाहिए, अपोजिट कलर का होना चाहिए, जॉब से कोई मतलब नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका सभी आंसर भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉब के कलर से विपरीत होना चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एट्थ क्वेश्चन दोस्त, नीले धोते को पहचाने, तो नीला तोता क्या होता है दोस्तों। तो नीला तोता या तूतिया जो होता है इसका सूत्र होता है CuSO4, इसे हम कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो नीला तोता वही होता है, तूतिया वही होता है, कॉपर सल्फेट वही होता है। तो इसमें जो सल्फेट होता है, अब दोस्तों आप ये समझोगे कि ये कॉपर है तो कॉपर का रंग लाल ही होना चाहिए, तो इसमें सल्फेट जो मिल जाता है तो हल्का नीला नीला रंग इसमें आ जाता है। तो ये पहला है, ये पहला है चॉक पाउडर का, दूसरा है जो प्रशियन ब्लू का, जिसे हम नील कहते हैं दोस्तों, ये नील है, नील होता है, इसे हम प्रशियन ब्लू कहते हैं। ये हमारा कॉपर सल्फेट होता है, उसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो यदि हम इसको ए कहें, इसको बी कहें, दूसरे नंबर को इसको सी कहें, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ये कॉपर सल्फेट जो होता है इसके टुकड़े रखे हुए हैं, और जो चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है, इसे हम सेलुलोज बार्निश के नाम से जाते हैं, इसके डिब्बे देखो नीचे रखे हुए हैं। बार्निश जो होता है अलग अलग रंग में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों आपको चारों कलर याद रखने हैं, मैंने एक बार बता दिया है, ठीक है ना। तो आप चारों कलर को याद रखेंगे, जो नील होता है इसे हम प्रशियन ब्लू कहते हैं, जो नील की तरह पाउडर रखा हुआ है, और जो ये इसके टुकड़े रखे हुए हैं इसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, हल्का ब्लूइश वाइट टाइप का होता है, ब्लूइश वाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ नंबर क्वेश्चन, कि मार्किंग करने के लिए किसे आधार मानते हैं। तो मार्किंग करने के लिए हमें जो मार्किंग करने में जो हमें गाइड करता है उसे हम आधार कहते हैं, तो आधार किसे मानते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले बता दिया था कि जो हमारे पास ड्राइंग शीट होती है पेपर में बनी हुई, उस ड्राइंग शीट को हम आधार मानकर जॉब के ऊपर आकार बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं, पहला ऑप्शन में पढ़ता हूँ बनी हुई जॉब को देखकर, तो दोस्तों ये गलत होता है, कभी भी बने हुए जॉब को नहीं देखा जाता है, क्योंकि बना हुआ जॉब यदि एक जॉब गलत बन गया तो सारे जॉब गलत हो जाएंगे, तो ए आंसर इसका गलत हो गया। ड्राइंग या ब्लूप्रिंट देखकर, तो ये
दोस्त सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा ड्राइंग या ब्लूप्रिंट, क्योंकि ड्राइंग को ही हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो ये ड्राइंग पेपर शीट होती है, इसे देखकर हम जॉब पर आकार बनाते हैं। मैं तीसरा ऑप्शन भी पढ़ देता हूँ, किसी सीनियर को बुलाकर। तो दोस्त ये सीनियर को बुलाना बार बार हम नहीं बुलाते हैं, या किसी सीनियर को बुलाकर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मार्किंग हमें पूरी करना है तो सीनियर वहाँ खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। अगला है डिजाइनर को बुलाकर। तो दोस्त डिजाइनर जो होता है मार्किंग करते समय आपके पास नहीं आएगा, डिजाइनर केवल ड्राइंग शीट बना के आपको उपलब्ध करा देगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ड्राइंग है ब्लू प्रिंट, देखकर हमारा दूसरा बी आंसर जो होगा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कभी भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को जितने अच्छे से हम पढ़ेंगे उतना अच्छा हमें आएगा। ड्राइंग किस पर बनाई जाती है, ये ड्राइंग हमें बताना है कि ये ड्राइंग किस चीज़ पर बनाई जाती है, जो हमें ड्राइंग शीट मिलती हो कहाँ। तो मैं दोस्तों कई बार इस वीडियो में बता चुका हूँ कि जो ड्राइंग शीट होती है वो पेपर पर बनाई जाती है। तो जो ये ऑप्शन देखिए आप, MS शीट पर माइल्ड स्टील की जो लोहा होता है उस पर बनाई जाती है, तो उस पर नहीं बनाई जाती है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है पॉलीथीन पर, क्या हम पॉलीथीन पर बनाते हैं, कोई पॉलीथीन रहता है जिस पर हम सामान लेते हैं, या इसी टाइप के कोई बरसात में जो हम छत पर पॉलीथीन डालते हैं उस पर बनाते हैं दोस्तों, तो उस पर भी नहीं बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन है पेपर पर, तो ड्राइंग शीट जो होती है पेपर पर बनती है, पेपर पर बनाने पर काफ़ी मतलब होता है कि पेपर जो है साइड इफेक्ट नहीं छोड़ती है, इसलिए पेपर पर बनाई जाती है। कपड़े पर, तो दोस्तों इसमें कपड़े पर एक जगह ड्राइंग बनाई जाती है दोस्त, लेकिन जो हमारा फैक्ट्री लाइन होता है उस पर कपड़े पर नहीं बनाई जाती है। वो कहाँ बनाई जाती है, जो खेत वगैरह चेक किए जाते हैं, खेत का जो लेंथ वगैरह नापा जाता है या विड्थ नापा जाता है, उसके लिए जो पटवारी को मिलता है वो कपड़े पर मिलता है। लेकिन हम फैक्ट्री लाइन की बात कर रहे हैं, फिटर लाइन की बात कर रहे हैं, तो उस पर पेपर पर बनाई जाती है। तो दोस्तों इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, थैंक यू, आपने जो हमारा वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट्स में ज़रूर लिखें कोई भी समस्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ओके, बाय बाय।